आज के दिन 16 दिसंबर को भारत के लोगों की भावनाओं को झकझोर देने वाली विभत्स घटना निर्भया कांड के रूप में जानी जाती है। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में एक 23 वर्षीय मेडिकल छात्रा के साथ चलती बस में 6 लोगों ने बेरहमी से सामूहिक दुष्कर्म किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। निर्भया कांड के बाद देश की महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कानूनों में कई बदलाव हुए। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 को दुष्कर्म विरोधी अधिनियम के रूप से भी जाना जाता है। इस बदलाव के तहत रेप की परिभाषा में पीछा करना, तेजाब से हमला करना और ताक चाक जैसे नए अपराधों को भी जोड़ा गया। यहाँ तक कि रेप की धमकी भी अब एक अपराध है और इसके लिए व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। रेप के बढ़ते मामलों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए न्यूनतम सजा को 7 साल से बदलकर 10 साल कर दिया गया है। निर्भया कांड में शामिल नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं हो सकती थी। इसके बाद बहस छिड़ गई कि ऐसी खौफनाक घटना को अंजाम देने वाले को महज 3 साल की सजा देकर कैसे छोड़ा जा सकता है। इसके बाद रेप जैसे हिंसक अपराधों के लिए नाबालिग पर एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलने की उम्र को 18 साल से बदलकर 16 साल कर दिया गया। इसके लिए किशोर न्याय अधिनियम 2015 में बदलाव किया गया। निर्भया कांड के बाद रेप की परिभाषा व्यापक हो गई। संशोधित अधिनियम के तहत रेप के दायरे को बढ़ाया गया। निर्भया कांड से पहले सेक्सुअल पेनिट्रेशन को ही हम रेप मानते थे, लेकिन इस कांड के बाद गलत तरीके से छेड़छाड़ और अन्य तरीके के यौन शोषण को भी रेप की धाराओं में शामिल कर दिया गया। निर्भया कांड के बाद केंद्र सरकार ने निर्भया फंड की स्थापना की थी। इसका मकसद दुष्कर्म पीड़ित को राहत और पुनर्वास की योजना के लिए बनाया गया था। निर्भया निधि में सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया। इसमें प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से दुष्कर्म सहित अन्य यौन अपराधों की पीड़िताओं को मुआवजा देगी। अब तक करीब 20 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में यह योजना लागू है। एक लंबी कानूनी प्रक्रिया और कई अड़चनों के कारण न्याय में काफी वक्त लगा, लेकिन निर्भया कांड के दोषियों को मौत सजा जरूर मिली। निर्भया आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसने महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसाओं की सजगता के लिए पूरे देश को जगा दिया है। देश की साहसी बेटी निर्भया को विनम्र श्रद्धांजलि।